भागवत। हरे कृष्णा। प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये मैं जो असुर हो रहे हैं उन पे तीर मार रहा हूँ। तीर मार रहे हो? हाँ। कौन से असुर पे तीर मार रहे हो आप? रावण के ऊपर। हाँ। अच्छा, मुझे लगता है आप दशहरे के भाव में चले गए हैं। हाँ। दशहरा आ रहा है ना। हाँ। इसलिए आप दशहरे के भाव में चले गए। दिखाओ अपना धनुष। अरे बड़ा तगड़ा धनुष है आपका तो, है कमाल है। ये आपको धनुष किसने दिया? शिव जी ने दिया या ब्रह्मा जी ने? शिव जी ने। अच्छा, भागवत प्रभु ये बताओ, धनुष को भी हम रखते हैं थोड़ी देर, है ना, और हम चर्चा करते हैं कुछ, है? तो दशहरा आने वाला है ना। हाँ जी। तो सारे भक्तों को राम जी की महिमा के बारे में बताना है, है ना। हाँ, सबको पता होना चाहिए कि भगवान राम कितने महान है। हाँ। परम भगवान है, है ना, और कैसे हम राम जी से जुड़ सकते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताओ। उनके बारे में कुछ बताऊं मैं? हाँ बताओ, अभी दशहरा आ रहा है, बताओ उसके बारे में कुछ। बिल्कुल बताऊंगा प्रभु जी आपको मैं। बिल्कुल बताओ प्रभु। दशहरे की कथा रावण और राम जी की है। अच्छा। हाँ, रावण बुराई और अहंकार का प्रतीक था, जबकि भगवान श्री राम सत्य धैर्य और धर्म के प्रतीक हैं। अच्छा। ये पर्व हमें याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये याद दिलाता है बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, पर अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। बुराई चाहे कितनी भी बढ़ जाए। हाँ। कितनी भी बढ़ जाए, पर अंत में जीत किसकी होती है? अच्छाई की। क्यों होती है जीत अच्छाई की? क्योंकि क्यों होती है? इसलिए होती है, जो राम जी के अच्छे भक्त होते हैं उनकी तो विजय होगी ना। हाँ, क्योंकि वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। हाँ। और जो राक्षस होते हैं, असुर गण होते हैं, वो किसके रास्ते पे चलते हैं? वो असुरों के रास्ते पे चलते हैं। वो बुराई के रास्ते पे चलते हैं, वो असुरों के रास्ते पे चलते हैं, है ना। तो हाँ। और आगे बताओ, और कुछ बताओ। और रावण केवल बाहर का रावण नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। अंदर भी है? हाँ, जैसे बुराई का रावण, अहंकार का रावण, लालच का रावण, ईर्ष्या का रावण। ये तो बहुत बड़े बड़े रावण है हमारे अंदर। हाँ, तो आप चाहते हो कि आप अपने अंदर से रावण निकालना चाहते हो? चाहते हैं ना, सब चाहते हैं। तो कैसे निकालें? तो आप मेरे साथ गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, तो हम इस रावण को बाहर निकाल सकते हैं। हरी बोल, आपने तो बिल्कुल जबरदस्त उपाय बता दिया रावण को बाहर निकालने का। तो इसलिए चलो साथ में सारा दिन कीर्तन करेंगे हम। सारा दिन कीर्तन करेंगे? हाँ, रात को भी, दिन को भी, सुबह भी, शाम को भी, सारा दिन। फिर तो रावण फटाफट बाहर निकल जाएगा। हाँ। भगवान ने तो भगवत गीता में कहा ही है, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन करो, है ना। भगवान की कीर्ति का बखान करो, सब भक्तों को भगवान के बारे में बताओ, उनका भजन करो, उनका कीर्तन गाओ, है ना। और कीर्ति मतलब भगवान के यश का, भगवान के यश के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, भगवान के दर्शन के बारे में, भगवान के सिद्धांतों के बारे में सबको बताओ, है ना। ये भगवान की कीर्ति का बखान करना होता है। अच्छा ये बताओ भागवत, तो हमें रावण के जैसा नहीं बनना, तो हमें किसके जैसा बनना है? हमें हनुमान जी जैसा बनना है, हमें सुग्रीव मैया जैसा बनना है, हमें विभीषण जी जैसा बनना है। तो कैसे बनेंगे? भगवान श्री राम की भक्ति करो, हर समय भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहो, तभी तो हनुमान जी जैसा बनोगे। सही।
ही कहा आपने, हर समय जब उनकी सेवा करेंगे, हर समय उनकी भक्ति करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके कहे गए अनुसार चलेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो इसलिए सारा जीवन रावण की टोली में क्यों रह रहे हो, भगवान श्री राम की टोली में रहो। अच्छा, राम जी की टोली में रहे। कैसे हाँ। रहे राम जी की टोली में? राम जी की आज्ञा का पालन करो, अपने आप भगवान श्री राम जी टोली में आ जाओगे। अच्छा, तो इसलिए अब मैं आपको इसका एक भजन सुनाता हूँ। जय जय राम, जय श्री राम, आ गए हैं राजा राम, अयोध्या धाम, अयोध्या धाम, जीवन में भी लाओ राम, जीवन में भी लाओ राम, जय जय राम, जय श्री राम, आ गए हैं राजा राम। आपको पता है, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। हाँ। रावण कैसे मरा था? रावण के पेट में अमृत था, उसके जो नाभि के अंदर क्या था? अमृत था। तो भगवान को विभीषण जी ने बताया कि रावण नहीं मर रहा था, बहुत कोशिश करी है, सब ने तीर मारा पर रावण नहीं मरा। तो उसके रावण के 10 सर थे। कितने सर थे? 10 सर थे। जैसे ही एक तीर मरता था, रावण का सिर कट जाता था, फिर उसका एक और सिर आ जाता था, फिर तीर मारते थे, फिर सिर कट जाता था, फिर एक और सिर आ जाता था। तो ऐसे करते करते उसके 10 सर थे, तो वो मरता ही नहीं था। उसको हर तरह से मारने की कोशिश करी, पर विभीषण जी ने राम जी को बताया कि राम जी रावण के नाभि में ना एक अमृत है। क्या है? अमृत है वो। आप जब उस अमृत पर तीर मारोगे ना, और वो अमृत सूख जाएगा, तब वो रावण मर जाएगा। तो हमारे मन के अंदर, मन को कौन जिंदा रख रखा है? मन को मतलब गंदे, जो हमारे मन में जो गंदगी है, उसको किसने जिंदा रख रखा है? इन 6 चीज़ों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। गंदे मन के लिए अमृत क्या बना हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब हमारे गंदे मन के अमृत हैं। तो जब हम भगवान श्री राम की भक्ति, जब हम भगवान श्री राम का चिंतन, भगवान श्री राम का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जब जपते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, तो वो तीर, वो अमृत, भगवान का नाम रूपी तीर जब इस मन के, गंदे मन के हैं, अमृत को सुखाता है ना, इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको जब सुखा देगा ना वो, तब वो अपने आप मन, गंदा मन मर जाएगा, मन का रावण मर जाएगा, और हम सब मुक्त हो जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, हम सब भगवान की सेवा में लग जाएंगे। फिर हमें भक्ति करने में, भजन करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत अमृत मिलेगा। समझ में आया आपको? तो आप सबसे भी विनती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की परतें आप रोज़ जमाते रहते हो, रोज़ जो भी आप काम करते हो उसके अंदर ये 6 कामों को हटाओ। लालच मत करो, बहुत अधिक इच्छाएं, बहुत भौतिक भोगों को प्राप्त करने की मत करो, केवल आवश्यकता के अनुसार जियो अपने जीवन को। क्रोध मत करो, ये सब आपके अंदर के रावण को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। ईर्ष्या मत करो किसी से भी, किसी से भी ईर्ष्या मत करो, नहीं तो ये आपका रावण बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और ये कम नहीं होगा कभी भी। तो भगवान राम के नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, इस महामंत्र रूपी तीर को चलाओ, और अपने मन के अंदर ये जो गंदगियां जमी हुई है, इसके ऊपर इन तीरों को चलाओ, भगवान के नाम, नाम रूपी तीरों को। तो फिर क्या होगा? फिर ये सब जो मन में गंदगियां हैं, ये सब खत्म होंगी, और आपको भगवान श्री राम का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम की अनुभूति होगी। पर आप ये सब करोगे कैसे? पर आपको कौन शक्ति देगा? ध्यान रखना, जब तक आप ध्यान से कथा को सुनते नहीं ना, तब तक आपको शक्ति नहीं मिलती है। तो इसलिए एक givegita.com पे आप जाइए और प्रारंभ करिए। सबसे पहले अपने जीवन के अंदर राम जी को स्थापित करने की विधि मैं बता रहा हूँ आपको, कि सबसे पहली विधि है श्रवणम। श्रवणम से कान के थ्रू ही भगवान हमारे अंदर जाते हैं। तो आप सबसे पहले givegita.com पे जाओ और भगवद गीता का ये 13 घंटे का कोर्स ज़रूर सुनना। आप ये कोर्स सुनोगे ना, तो आपके हृदय के अंदर भगवान हर 100% प्रवेश करेंगे। और जब आप उसमें बताए गए रास्ते पर चलोगे,
तो आपकी बहुत जल्दी बहुत शीघ्र आप प्रगति करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको रामचंद्र विजय उत्सव, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको रामचंद्र विजय उत्सव की बहुत बहुत बधाई, दशहरे की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा हरि बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा, हैप्पी दशहरा, हैप्पी दशहरा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegeeta.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।